हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं लियो यानी सिंह राशि के लिए फरवरी 2022 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, इसी को लेकर ये रीडिंग है। और गर्ल्स बॉयज सभी के लिए रीडिंग होगी। जो सिंगल हैं, मैरिड कपल हैं या आप अगर किसी रिलेशनशिप में, तो आप सभी के लिए रीडिंग होगी। यहाँ मैं कार्ड शफल करूंगी, आप चाहें तो कार्ड की शफलिंग को अवॉइड कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम स्टेम्स में जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट टैरो डेक के साथ स्टार्ट करते हैं आपके लिए लियो। ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए और काफी कुछ मैसेजेस हैं। फर्स्ट अगर टैरो डेक के साथ स्टार्ट करें तो आपके लिए ऐसा लग रहा है लियो, अगर आप एक बॉय हैं तो आपके लिए ऐसी गर्ल आ सकती हैं जो प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी की हो, यानी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकती हैं, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप बने या आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है इनके साथ। ये काफी क्यूट हैं, स्वीट हैं, गुड लुकिंग पर्सन है और इनोसेंट पर्सन है ये, और आपसे एज में थोड़ी कम हो सकती हैं और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं ये। इस तरह की पर्सन आपके लिए आ सकती हैं स्पेशली फरवरी के मंथ में, और इनके साथ आपका ऑलरेडी कनेक्शन हो भी सकता है, यानी जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन भी इन साइंस के हो सकते हैं और काफी कह सकते हैं वाइसली ये बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट करने में काफी एक्सपर्ट पर्सन है और इसी तरह की एनर्जीज में आपके पर्सन भी रहेंगे, चाहे आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में, पर अपनी क्लियर बातें आपके पर्सन जो है वो आपको रखने वाले हैं। इस तरह की उनकी एनर्जीज यहाँ दिख रही है। नेक्स्ट एनर्जी है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, आप ऐसा लग रहा है काफी हार्डवर्क करने का सोच रहे हैं, काफी चीजें हैं जो आप प्लान कर रहे हैं उनको लेकर आप वर्क करना चाह रहे हैं, काम पे काफी आपका फोकस लग रहा है और ये काम आपको पैसा भी काफी दिलवाएगा। और यहाँ इसी तरह की एनर्जीज है सेवन ऑफ पेंटिकल्स और आपके पर्सन भी आपको एक हार्डवर्किंग पर्सन की तरह देखते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है द एम्प्रेस। तो आपके पर्सन जो है वो आपको एक एम्प्रेस की तरह ट्रीट करने वाले हैं, और अगर आप एक मेल हैं यानी लड़के हैं तो आपको एक एम्प्रर की तरह ट्रीट किया जाएगा, स्पेशली फरवरी के मंथ में। और वैसे भी वैलेंटाइंस डे आने वाला है तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपके पर्सन या पार्टनर आपको देने वाले हैं, और एक एम्प्रेस की तरह आप भी काफी नर्चरिंग रहेंगे, केयरिंग रहेंगे, काफी लविंग एनर्जीज आपकी यहाँ दिख रही है और यहाँ काफी फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में रहेगा, बहुत सारी प्रचुरता या कहें कि बहुत सारे संसाधन होंगे आपके पास, रिसोर्सेस पूरे होंगे, पैसा, लग्जरी लाइफस्टाइल, बहुत अच्छा आपका कह सकते हैं लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी लग्जरी है वो सब चीजें आपके पास होगी स्पेशली फरवरी के मंथ में। तो पैसों की यहाँ कोई कमी नहीं दिख रही आपके लिए, और यहाँ आपके पर्सन जो हैं, कुछ लोगों के पर्सन लियो, आपके पर्सन जो हैं वो हो सकते हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन बन सकता है या आप ऑलरेडी इनके साथ कनेक्शन में हैं। और ये पर्सन जो हैं वो काफी कह सकते हैं आपके साथ एक फ्रेंडली मैनर में इस मंथ में रहने वाले हैं, यानी एक फ्रेंड की तरह आपको देखते हुए नजर आ रहे हैं और डेफिनेटली एक न्यू फ्रेंडशिप आपके लिए आ रही है, चाहे आप गर्ल हैं या बॉय हैं। और ये पर्सन जो है वो किसी तरह से आपको कैरियर में भी हेल्प करते हुए दिख रहे हैं और उनकी वजह से कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन भी आपको होता हुआ दिख रहा है लियो। नेक्स्ट कार्ड आया है द वर्ल्ड का। तो बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाएगा ये आपके लिए, अगर आपका कोई काम है ऑनलाइन करते हैं आप, या किसी से आपकी ऑनलाइन फ्रेंडशिप हो सकती है, या इस तरह का भी आपके लिए कोई कनेक्शन आ सकता है, या ऑलरेडी आप इसी तरह से किसी पर्सन से मिले हो सकते हैं, तो सारी दुनिया के दरवाजे या रास्ते आपके लिए खुले हैं और बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं आपको इस मंथ में देखने को मिलेंगे अपने लिए, यानी आप काफी हो सकता है कि आप ट्रैवल करें या कुछ बड़े प्लान्स आपके हो सकते हैं जो आपको इस मंथ में आप अपने लिए देखें, बहुत बड़े प्लान्स भी आप बना सकते हैं लियो। और वहीं वर्ल्ड कार्ड ये भी बता रहा है कि जिनके साथ आपका कनेक्शन बने वो पर्सन जो है वो अदर सिटी, स्टेट या कंट्री से भी हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जीज भी है द वर्ल्ड की। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आपकी पर्सन जो है वो भी यहाँ ऐसा लग रहा है साइंस वही आए हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, तो उनकी एनर्जीज भी इसी तरह की रहेगी कि वो भी काफी क्लियर कम्युनिकेशन रखने वाले हैं, कम्युनिकेशन के काफी कार्ड आए हैं क्योंकि सॉर्ड्स एनर्जी बहुत ज्यादा आई है। तो ये हो सकता है कि अगर आप में से कुछ लोग अगर नो कॉन्टेक्ट में है या बातें कम हो रही है या ऑन ऑफ सिचुएशन अगर आपका रहा है या लॉन्ग डिस्टेंस है, जैसा वर्ल्ड कार्ड में हमें दिखा था कि आपके पर्सन अदर सिटी से हैं, स्टेट से हैं और बात उतनी नहीं हो पाती है, तो इस मंथ में आपके
लिए काफी बातचीत के मौके आ रहे हैं और कम्युनिकेशन स्ट्रांगली आपके लिए आ रहा है। और यहाँ टैरो डेक से कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, तो बहुत ही अच्छा मंथ रहने वाला है आपके लिए लियो। चुजन कार्ड से अगर आपकी पर्सन की एनर्जीज देखें तो स्लोइंग डाउन का कार्ड है। उनकी एनर्जीज हो सकता है थोड़ा वो स्लो मूविंग एनर्जीज में रहें के रिलेशनशिप को लेकर, पर फिर भी वो एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हुए दिख रहे हैं। इसी तरह की उनकी एनर्जीज यहाँ दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड आया है ब्रेक थ्रू का, तो ये हो सकता है कि अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जो अभी न्यू है, या कुछ पाबंदियां परेशानियां आपके बीच में है, या थर्ड पार्टी है, तो आपके पर्सन इस बार उन सब ऑब्स्टिकल्स को या उन सारी कठिनाइयों को हटाकर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। इसी तरह की उनकी एनर्जीज यहाँ दिख रही है। और इनोसेंस का कार्ड है, तो ये हो सकता है लियो अभी तक उन्होंने आपकी मासूमियत को नहीं देखा है, पर इस मंथ में वो आपकी मासूमियत को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उस चीज को वो बहुत दिल से अनुभव करने वाले हैं, और आपकी सच्चाई और आपकी मासूमियत उनको नजर आने वाली है। इसी तरह की एनर्जीज में वो रहने वाले हैं। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड आया है प्रोजेक्शन का, तो ये हो सकता है कि अभी तक आप उतना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अपने पर्सन के साथ, और फरवरी की मंथ से पहले तक, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। बहुत सारे आपके अंदर दुविधाएं हो सकती है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं कि ये पर्सन लॉयल भी हैं या नहीं है, स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं। क्यों कोई नया रिलेशनशिप अगर आप स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आप थोड़ा सोचे जा रहे हैं कि ये में भी सही पर्सन है या नहीं, तो आपके लिए वो चीजें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ नंबर 7 आया है, तो आप डिवाइनली गाइडेड हैं और कोई भी पर्सन जो है वो आपको हर्ट नहीं कर सकता, और एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 7 इसी तरह का सपोर्टिव नंबर माना जाता है। और नेक्स्ट कार्ड आया है हीलिंग का, तो जो लोग अभी रिलेशनशिप में थे और ब्रेकअप देख रहे थे और काफी टाइम से अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, या बहुत सारी दुख परेशानियां उठाकर आए हैं आप फरवरी के मंथ से पहले तक, तो आपको हीलिंग के काफी मौके मिलेंगे। और यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी ऐसी आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है कि आप अपने आप को हील होता हुआ अनुभव करेंगे। चाहे आप सिंगल हैं या रिलेशनशिप में रहे हैं या किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है, तो आपको हीलिंग के काफी मौके मिलेंगे। इस तरह की एनर्जीज यहाँ आ रही है। और लियो नेक्स्ट कार्ड आया है करेज का, तो यहाँ आपको गाइडेंस दी जा रही है कि जो आपका करेज है, जो आपका साहस है, वो आपको इस मंथ में बहुत कुछ दिलवाएगा। और लियो वैसे भी आप बहुत करेजियस होते हैं, बहुत साहसी होते हैं, तो करेज या साहस आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, तो आपका जो हिम्मत है वो आपको रिलेशनशिप में सफलता दिलवाएगी। तो स्टेप्स लें और पीछे ना हटें, इस तरह का मैसेज है आपके लिए। और शुजन कार्ड से वही आपके लिए अगर हम देखें तो ऑरेकल डेक से कार्ड आया है यहाँ डिस्पेयर का, तो आप में से कुछ लियो जो हैं वो अभी काफी स्ट्रगल देख रहे हैं अपनी जॉब बिजनेस या जो भी आपका वर्क है, वहां आप काफी हताश और परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि इसी तरह की एनर्जीज हैं। यहाँ नोट हायरिंग का बोर्ड लगा है, तो थोड़ा सा आप सुस्त भी दिख रहे हैं अपनी जॉब पैसे को लेकर, कि अभी कुछ नेगेटिविटी आप अपने अंदर फील कर रहे हैं। पर यहाँ 32 नंबर है, तो 3+2 5 होता है, तो चेंज होगा आपकी सिचुएशन में। थोड़ा सा पॉजिटिव अपने आप को रखने का प्रयास करें आप। और यहाँ अगर हम देखें तो कार्ड आया है मैसेज ऑफ कंसर्न का, तो यहाँ हो सकता है आप में से काफी लियो जो है वो नो कांटेक्ट में है, या बात कम होती हुई दिख रही है इससे पहले तक, यानी फरवरी के मंथ से पहले तक आपका अभी तक इतना कम्युनिकेशन नहीं है आपके पर्सन से, तो वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। उनकी तरफ से कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको मिल सकता है। और अगेन आपके पास 14 नंबर आया है आपके लिए, तो 1+4 5 होता है, तो हमारे पास 5 आ चुके हैं, तो चेंज तो डेफिनेटली होगा आपकी सिचुएशन में। थोड़ा सा पॉजिटिव रहें आप अपने लिए। और हाँ, मेन फीमेल का कार्ड आया है आपके लिए लियो, तो ये पर्सन आ सकते हैं आपकी लाइफ में स्पेशली फरवरी के मंथ में। कोई आपको प्रपोज कर सकता है, और वैलेंटाइंस डे है तो ये हो भी सकता है। किसी को आपकी ब्यूटी, आपका ब्रेन और आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत इम्प्रेस करने वाला है, और वो चाहेंगे कि आप उनकी लाइफ में एक मेन फीमेल बनकर रहें। अगर आप एक लड़के हैं तो वो खुद बन के रहना चाहते हैं आपकी लाइफ में एक मेन फीमेल। और इसी तरह की यहाँ मैसेज आया है आपके लिए। और नेक्स्ट कार्ड अगर हम यहाँ देखें तो
एक्सेप्टेशन का कार्ड है, तो काफी एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन आपसे, स्पेशली फरवरी के मंथ में वो चाहते हैं स्टेप्स आप लें, बात आप ही करें, या अगर आपका नो कॉन्टेक्ट है या लॉन्ग डिस्टेंस है या ऑन ऑफ सिचुएशन है आपका, तो वो चाहते हैं कि एफर्ट्स आप करें, इस तरह की उनकी एनर्जीज रह सकती है। पर यहाँ 28 नंबर आया है तो ये उनकी एज हो सकती है, और 2+8=10 होता है, तो एक कम्प्लीशन तो वो आपके साथ डेफिनेटली देखते हैं, पर एक्सेप्ट करते हैं कि आप ही सब चीजों में शुरुआत फर्स्ट करें और आपकी तरफ से ही फर्स्ट मूव हो, इस तरह की एनर्जीज में भी वो रह सकते हैं फरवरी के मंथ में। और यहाँ हाई ऑनर का कार्ड आया है, तो लियो बहुत ही अच्छा कार्ड है, क्योंकि आपके लिए डिस्पेयर का कार्ड आया था, तो एक अच्छा जॉब आपको मिल सकता है जो काफी सम्मानीय होगा और किसी तरह से आपका रिस्पेक्ट बढ़ सकता है, और सभी के लिए होगा, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, आपको काफी रिस्पेक्ट दी जाएगी और आपके पर्सन भी आपको बहुत रिस्पेक्टिव वे में ट्रीट करेंगे, और इसी तरह की एनर्जीज है, हाई ऑनर, और कुछ लोगों को बहुत अच्छा जॉब भी लग सकता है, और ये एक बड़ा गवर्नमेंट जॉब हो सकता है या काफी अथॉरिटी पोजिशन पे आप पहुंच सकते हैं। 25 नंबर है, 2+5=7 है, तो आप डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड हैं, ब्लास्ट हैं, स्पेशली फरवरी के मंथ में। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड आया है मैरिज का, तो कंग्रेचुलेशंस लियो, आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन से मिले जिनसे आगे चल के आपकी शादी हो, या आप अपने लाइफ पार्टनर से भी मिल सकते हैं, कुछ लोगों की शादी सगाई तय हो सकती है, और आपका प्रपोजल आ सकता है इस तरह के पर्सन का जो काफी खूबसूरत है और काफी आप ही कंपैटिबल है, और ये एक ब्लास्ट मैरिज होगी क्योंकि नंबर 3 आया है, तो अबंडेंस भी काफी रहेगी, और ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं फरवरी के मंथ में, तो कुछ लियोस के लिए डेफिनेटली आपके लिए शादी सगाई के योग बन रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन से मिले जिनसे आगे चल के आपकी शादी सगाई हो, तो एक कमिटेड रिलेशनशिप आपके लिए आ रहा है, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन हो सकता है आपको कमिटमेंट दें। और फेरी ओरेकल डेक से स्टार गेजिंग का कार्ड है आपके लिए, तो व्हेन यू गेज एट द स्टार्स यू गिव योरसेल्फ फेरी फोकस, योर इंट्यूशंस विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील व्हाट यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन। जी, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको काफी एंजल सपोर्ट मिलेगा और बहुत सारे इंट्यूशंस भी आपको आएंगे, और उनको आपको समझने की कोशिश करनी है और फॉलो करना है अपनी लाइफ में, ताकि आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारा गुड लक आपकी तरफ आ सके। तो आपको काफी इंट्यूशंस भी आएंगे और बहुत सारे साइंस भी ऐसे मिलेंगे जिससे आप जान पाएंगे कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। और नेक्स्ट कार्ड आया है न्यू बिगनिंग का, लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप के लिए जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए एक बेबी बर्थ का गुड न्यूज आ सकता है, और वहीं आपको कुछ ऐसा नया बिग आइडिया मिल सकता है जिससे आप अपनी लाइफ में काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं, और उस आइडिया पे आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। तो जो भी आपको इस मंथ में कुछ प्लान्स आते हैं या कुछ ऐसा आपके अंदर कुछ न्यू आइडियाज आते हैं, तो उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसको आपको कह सकते हैं पूरी योजना बनाकर काम करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है, और ये नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, और ये लाइफ चेंजिंग शुरुआत हो सकती है आपके लिए, स्पेशली कैरियर के सेक्टर में। और विश वाइसली का यहाँ कार्ड आया है, यूज योर विशेज वाइसली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिजायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टूवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। आपको ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो सकता है, तो आप जो भी मांगे भगवान से, गॉड से, या जो भी आपका रिलीजन है उनसे, आप जो भी मांग रहे हैं वो इस बार पूरा हो सकता है। ये यहाँ कहा जा रहा है कि आप सोच समझकर अपनी विशेस को मांगे, क्योंकि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिख रही है, तो जो भी आप गॉड से मांग रहे हैं वो आपको इस मंथ में मिल सकता है। तो यहाँ आपकी कोई बहुत बड़ी डिजायर है, स्पेशली रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी डिजायर है जो पूरी हो सकती है, इस तरह का आपके लिए लग रहा है, तो आपको सोच समझ कर मांगना है जो भी मांगे आप लियो, स्पेशली इस मंथ में। और आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जो पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं उनके जॉडिक साइन और अल्फाबेट्स क्या होंगे ये भी हम देखेंगे। फर्स्ट हम अगर उनके अल्फाबेट्स देखें जो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनका नाम एल से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यू से हो सकता है उनका नाम, एम से हो सकता है आपके पर्सन का नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और डब्ल्यू भी हो सकता है उनका नाम स्टार्ट होता हो डब्ल्यू से, बी नाम से भी हो सकता है, और कुछ लोगों के एक्स भी बैक हो सकते हैं। अगर हम उनका ज्योतिष साइन देखें तो उनकी राशि हो सकती है पाइसिस, मीन राशि के हैं आपके पर्सन, या हो सकते हैं वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, कन्या राशि के हो सकते हैं, और कुछ लोगों के पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, और
एक्वेरियस भी आपके पर्सन हो सकते हैं, यानी कुंभ राशि के भी आपके पर्सन हो सकते हैं। और वहीं हम देख लेते हैं आपके पर्सन इस मंथ में आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे। यू ब्रोक माई हार्ट लियो, आप में से कुछ लोगों ने किसी का दिल तोड़ा है, किसी को रिजेक्ट किया है, और आई थिंक यू डिजर्व मोर लव एंड रिस्पेक्ट। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप ज्यादा प्यार और इज्जत डिजर्व करते हैं, और माई लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू, आपके पर्सन की तरफ से ये भी मैसेज है। आपके बिना उनका जीवन अधूरा है, और आई लव यू बिकॉज यू एक्चुअली पुट एफर्ट इन टू मी। जी, आपके पर्सन ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, और माई हैप्पीनेस इज टू बी नियर यू डियर। जी, ये भी आपके पर्सन की तरफ से मैसेज है। तो आप लोगों के लिए यही मैसेजेस है और यही रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।